बिहार में कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती 55 काउंटिंग सेंटर पर होगी। वोटों की गिनती काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के बेहद खास इंतजाम। तेजस्वी को ताज या नीतीश का राज कल होगा साफ। TV9 भारतवर्ष पर कल सुबह से देखिए सबसे तेज नतीजे। राज्याभिषेक में 243 सीटें, 243 रिपोर्टर, 243 कैमरों की निगाहों से सबसे पहले नतीजे आपके सामने होंगे TV9 भारतवर्ष पर। क्या होने वाला है बिहार में कल? क्या एग्जिट पोल्स ने जो दिखाया है उसके इर्द गिर्द कुछ या एकदम चौंकाले वाले नतीजे? हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जफर इस्लाम साहब, बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। चरण सिंह सापरा साहब, प्रवक्ता कांग्रेस के। शक्ति सिंह यादव, विधायक RJD के। इम्तियाज अंसारी हैं, प्रवक्ता JDU के। खालिद अब्दुल्ला नेता हैं TMC के। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले तो मैं आपसे ही, जफर साहब, जो भी यहां पर होगा क्या उसका असर देश भर में होगा? जफर साहब कैमरा स्टिल कर लें। देखिए, जो भी यहां होगा वो तो रिजल्ट कल पता चल जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो एग्जिट पोल अभी तक जो दिखा रहे हैं, जो एग्जिट पोल आए हैं, वो उससे शायद हम सहमत इसलिए नहीं है कि हमारा जो एनालिसिस बहुत डिफरेंट नंबर्स बताता है। और हम जो मुझे लगता है कि जो ट्रैक्शन हमें वहाँ बिहार में मिला, पूरे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह लोगों के सभी वर्ग के लोगों ने सपोर्ट किया, जिस तरह से हर रैलियों में जन सैलाब देखा गया, खास के प्रधानमंत्री की रैली में इतने सारे लोग आए, पैंडेमिक होने के बावजूद भी लोग उमड़ कर चले आए अपने अपने गांव से, शहर से। तो ऐसे में मुझे लगता है कि बिल्कुल रिजल्ट विपरीत होगा, जैसा अभी दिखाया जा रहा है उससे विपरीत होगा। और हम एग्जिट पोल में दिखाया गया उससे विपरीत होगा, और हम बिल्कुल जीत के करीब हैं, और जीत हमें मिलेगी पक्की कल। लेकिन इस्लाम साहब का दावा कि अभी जो दिखाई दे रहा है उसके इतर आपको देखने को मिलेगा जब EVM ये बताना शुरू करेंगी कि नतीजे क्या हैं।